बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। महसूलात हमारे तय करदा असूलों के मुताबिक जमा किए जाएंगे। इनमें कोई भी रद्दो बदल मंजूर नहीं होगा। हमें कबूल है कि मेरी इस अजियत के आगे तुम कब तक ठहरते हो और क्या तुम्हारी इस्तकामत बाकी रहेगी? इसका हाथ संदूक के तेजाब की वजह से तो नहीं जला आरतुक भाई? भाई मेरी तशखीस के मुताबिक इसका हाथ खोलते हुए पानी से ही चला है। कोई ना कोई मसला तो है आरतुक भाई, मुमकिन है जांगुच का कोई ताल्लुक हो इस मामले से। वो उस माफीनामे को हासिल करना चाहते हैं। सुलेमान को इसीलिए अगवा किया है। हाँ, ये घोड़े के साथ ये मक्तूब भी मिला है। सुलेमान की हिफाजत के लिए जो सिपाही हमने भेजे थे उन्हें मार दिया है दुश्मनों ने। अलबास्ती का असल चेहरा देखने वाले फिर किसी और का चेहरा नहीं देख पाते। सरजान, बेटी ठीक तो हो तुम? बेटी ऐसा कैसे कर सकते? सुलेमान जैसे बहादुर जवान को खून से नहला दिया। मेरे शेर ने मजाहमत की, उन्होंने इसे अजियत देकर मार डाला। अर्तुरुल को अगर नहीं जलाया तो फिर वह हमें जलाकर राख कर देगा, ये जान लो कमांडर। अलबास्ती तो वो यहां भी पहुंच गया भाई। ये मलून यहां कब पहुंचा? सांप की तरह हमला किया है उसने। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भुलाकर एक दूसरे के साथ तावुन करने की कोशिश करें हम। तुम्हारे साथ तावुन करके दोस्ती करने का मतलब सांपों से भरे हुए थैले में अपना हाथ डालना है इल्बिलगे खातून। माजी की राख खरीदने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, सिरमा को जो जख्म लगा था वो अभी ताजा है, लेकिन फिर भी हमने तस्लीम किया और आपके औताक आए ताकि मुस्तकबिल के बारे में बात कर सकें हम और एक दूसरे का हाथ थाम कर खुश रह सकें। बाजी दुरुस्त कह रही है। मेरे जख्म अभी ताजा है, लेकिन इनकी अजियत की कोई शिकायत नहीं मुझे, क्योंकि ये अजियत मुझे मेरी खताएं याद दिलाती है और मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है। मैं खता पर थी, गलती की थी खंजर निकालकर। कालीन गाह की जिम्मेदारी मिल जाने के गुरूर में मैंने बहुत सी काई कबीले की खवातीन के दिल दुखाए हैं। इंसान से खताएं हो जाती हैं और उनको माफ करने वाला अजीम होता है। मुझे माफ कर दे। अब जबकि तुम लोग अपने किए पे पशेमान और नादिम हो
तो फिर सलजान खातून और हम भी तुम्हारी खताओं को माफ करते हैं। हमारे दरमियान होने वाली तमाम माजी की बातों को भुलाकर कबाइल के मुस्तकबिल के लिए कोशा रहेंगे। आपस के इत्तेहाद और सालमियत के लिए हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं और कोशिश करेंगे कि इत्तेहाद बरकरार रहे। वालिदा, अगर इजाजत हो तो मैं कालिंदा के लिए जरूरी सामान खरीदने सोच जाना चाहती हूँ। जानती हैं आप, हमारा वक्त पे काम खत्म करना जरूरी है। ठीक है बेटी, जाओ अपना काम मुकम्मल कर लो, खैरियत से जाओ। अर्तुरुल ने अपनी ताकत बहाल कर ली, अलंजक को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो अब हमारा दोस्त नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकतवर अर्तुरुल तिजारत में मुश्किलात पैदा करेगा। अलंजक को अर्तुरुल का दुश्मन बनाकर उन्हें आपस में लड़वाना होगा हमें। इससे हमें क्या फायदा होगा, जबकि अर्तुरुल से हम दोस्ती कर चुके हैं और उसकी ताकत से फायदा भी उठा सकते हैं, तो ऐसा क्यों करें? बेवकूफ हो तुम, इतनी जल्दी अपना मकसद भूल गए। हमारा असल मकसद अर्तुरुल को सूद से निकालना है, उसका भरोसा जीतना नहीं। अर्तुरुल को अब हमारी जरूरत नहीं रही, वो दोबारा हमें अपना हदफ बना सकता है। हम उसे यह कदम उठाने से पहले ही खत्म कर देंगे। हम जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं जनाब। अर्तुरुल ने बेबुलात और अलंजक को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऐसी सूरत हाल में हर कदम पर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर उससे दोस्ती खत्म की तो हम भी खत्म हो जाएंगे। अगर दोबारा तुमने उससे दोस्ती की बात की तो याद रखना, ज़बान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। अब एक बहादुर कमांडर की तरह जो कहता हूं वो करो। खुश आमदीद सलजान खातून। बहुत शुक्रिया दुमरुल, मैंने बाजार से कुछ सामान खरीदा है, उसे कबीले तक पहुंचा देना, ठीक है? बहुत बेहतर सलजान खातून। अर्तुरुल भाई क्या यही है? अर्तुरुल भाई एक मुहिम पर गए हैं सलजान खातून, शाम होने से पहले कबीले पहुंच जाएंगे। खैरियत तो है दुमरुल, क्यों मेरे सामने आके खड़े हो गए हो? क्या बात है, किसी खरगोश की तरह दिख रहे हो जो तेज रोशनी में घबरा जाता है। तुम्हारा चेहरा तो एकदम पीला और जबान गूंग हो गई, क्या हुआ? सुलेमान, सुलेमान का घोड़ा यहां लाकर क्यों खड़ा किया है? बताते क्यों नहीं, क्यों खड़ा है यहां पर? सलजान खातून मैं बस कर दो, तुम लोग बताओ मुझे मेरा बेटा कहां है? अर्तुरुल भाई कहां है? मेरा बेटा यहां क्यों नहीं है? सलजान खातून, सलजान खातून, सलजान खातून,
अर्थुल भाई बताइए मुझे, सलमान का घोड़ा यहाँ क्यों खड़ा है? अर्थुल भाई यहाँ क्यों नहीं है? बताइए मुझे, क्या छुपा रहे आप मुझसे? हमारे सिपाहियों को सुलेमान का घोड़ा कल जंगल में मिला था। मेरे अल्लाह मदद करना तुम। अर्थुल भाई कहाँ गए? बताइए मुझे, मेरा सुलेमान कहाँ है आखिर? सलजान खातू, अर्थुल भाई सुलेमान को तलाश करने के लिए जा चुके, वो उसे ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं सलजान खातून संभालिए खुद को। इत्मीनान रखिए, अर्थुल सरदार उसे ढूंढने के लिए गए हैं और उम्मीद है कि सुलेमान को तलाश कर लेंगे। मुझे यकीन है कि वो उसे कबीले लेकर जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप कबीले चली जाएं। सलजान खातून परेशान ना हो आप। सलजान खातून सिपाहियों, सलजान खातून को अकेले नहीं छोड़ना, उनकी हिफाजत के लिए उनके पीछे जाओ। जल्दी करो सिपाहियों। इंशाल्लाह रास्ता छोड़िए, रास्ते से हट जाइए, कोई जख्मी है। मंगोलों ने हमारे किसी सिपाही को जख्मी कर दिया। कौन है बेचारा? दादी, ये बाबा किसे ला रहे हैं? दादी, या अल्लाह खैर करना। बेटा, कोई सिपाही शहीद हो गया क्या? कौन है? हम इसे नहीं बचा सके। उन्होंने सुलेमान को मार डाला।
सुलेमान, मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? सुलेमान मेरे भाई, भाई सुलेमान, भाई भाई अरे ये तो सुलेमान है, सुलेमान खत्म किया बेचारे भाई। क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का उन जालिमों ने, मेरे गुदोगदू का फूल मसल डाला, कैसे कर सकते हैं वो जालिम ऐसा। काश कि मैं तुम्हारी जगह मर जाती, काश कि मैं तुम्हारी जगह मर जाती मेरे बच्चे, मेरे बहादुर बच्चे, मेरी आंखों का तारा, मेरा सुलेमान। सुलेमान भाई, मेरा बहादुर बच्चा। चलो सिपाहियों, अंदर लेकर चलो इसे। उठिए आए मखानम। सुलेमान, मेरा बहादुर बच्चा, मेरा बहादुर बच्चा, मेरा जवान बच्चा, ओ मेरा शेर। यार हम ये क्या करेंगे, आई मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूंगी। कोई भी लफ्ज, कोई भी तसल्ली उसके दिल की आग को नहीं बुझा सकती। क्या कहूंगी मैं उससे, क्या कहूंगी मैं, अल्लाह अल्लाह। सलजान खातून कहाँ है? कालीन गा के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई है बाबा। Thank you.
मेरा बहादुर शेर चला गया, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा जवान बेटा चला गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अल्लाह या अल्लाह, मेरा लाल वालिदा, मेरा लाल, मेरा लाल। खुद को तकलीफ ना दे, आइए उठिए, आराम से बैठिए। मेरा जवान, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग, इतने छोटे बच्चे पे ऐसा जुल्म किया उन लोगों ने। जालिमों ने जरा भी रहम नहीं किया मेरे बच्चे पर। ये पानी मेरी प्यास क्या बुझाएगा, दरिया का पानी भी पी लूं जो दिल की लगी भी आग नहीं बुझ सकती। मेरा जवान बच्चा, ओ मेरा शेर, आए अल्लाह, अल्लाह। सुलझान क्या हुआ? वालिदा, मुझसे कुछ नहीं पूछो बेटी। आए, आए, आए। ये क्या? आए। अर्तुल सरदार, बहुत अफसोस हुआ मुझे। पता चला कौन था वो? मंगोलों के उस पालतू ने
अलबास्ती नाम के मलहून ने किया है ये। देख लिया तुमने बेबुला सरदार, जिन मंगोल मलूनों का तुम साथ निभाते हो, आज उन्हीं मंगोल मलूनों ने मेरे उताक में आग लगा दी। सलजान खातून, आपका दर्द वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन जनाजे पे इस तरह के अल्फाज कहना मुनासिब नहीं होगा। इंतकाम तो हमारा हमारे दर्द से भी कहीं बड़ा होगा। अलबास्ती अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा। मेरा बहुत जवान चला गया, इसके चचा, इसके भाई, इसके खुद का बदला जरूर लेंगे। आपका इंतकाम हमारा भी इंतकाम है, जो मुमकिन हो हम जरूर अंजाम देंगे। हम उस जालिम इंसान से इंतकाम जरूर लेंगे। जाने को कहा है, लेकिन हमले के लिए नहीं, उनसे मुआयदे का हुक्म दिया है। जब हमने बाज़ुद्दीनियों की बुनियाद हिला दी थी, ऐन उसी वक्त हलाकू खान की जानिब से हुक्म आ गया। कहता हूं उसको बाज़ुद्दीनियों से हम जिस जगह लेने गए थे वहां बरके खान के सिपाहियों ने हमला कर दिया। क्या लिखा है वक्तों पे कमाता? सिपाहियों को मारने वाला और क्या कहूँ उसको अगवा करने वाला अतरुल नहीं, वो बरके खान के सिपाही थे। काई कबीले को जब मैं इस आग की तरह जलाने वाला था, ऐन उसी वक्त जासूस का मकतूब आ गया। मैं चलना चाहता था, उन्होंने मेरे पैर बांध दिए। मैं देखना चाहता था, उन्होंने मेरी आंखें बंद कर दी। मैं वार करना चाहता था,
उन्होंने मेरे हाथ रोक दिए। ये सब इत्तेफाक नहीं, जिस ताकत ने ये सब कुछ किया मुझसे पहले ही हर एक बात उस ताकत के इल्म में थी। वो हमारी तरह जरूर दिखता है लेकिन हम में से नहीं है। मुझ तक पहुंचने वाली हर बात वो मुझसे पहले जानता है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो खबर को हम तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। और अब इस जहर को बाहर निकालने का वक्त करीब आ गया है। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. سورة بقرة کی کچھ آیات کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، जिसमें हमारा रब फरमाता है और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन इसका इदराक तुम्हें नहीं है। और बेशक तुम आजमाए जाओगे खौफ से, भूख से, दौलत से, जिंदगी से और फलों से, लेकिन खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सब्र से काम लेते हैं। और जब उन अल्लाह के बंदों पर मुसीबत आती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये वही है जिन पर रहमतें और बरकतें नाजिल हुई हैं, और ये तमाम वही लोग होते हैं जो कि राह रास्त पर हैं। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे जिनके लिए ये खुशखबरी है। आमीन। या अल्लाह, जब हम सब किसी ऐसी तकलीफ में आ जाएं कि मुआलिजीन भी हमारी जिंदगी की उम्मीद खो दें, तो हम पर रहम फरमा। आमीन। या अल्लाह, जब हमारी सांसें मुकम्मल हो जाती हैं, जब हमारी पलकें हमारी आंखों को ढांप लेती हैं, जब जमीन अंदर छुपा लेती है
जब दोस्त तो अहबाब हमें छोड़ जाते हैं, हर तरह की नेमतें हमारे लिए तमाम हो जाती हैं, तो हम पर रहम फरमाना। आमीन। या अल्लाह, नामो निशान जब मिट जाएगा, जिस्म कब्र में सड़ जाएगा, कब्रें भी गायब हो जाएंगी, अमाल नामा भी बंद कर दिया जाएगा, तो हम पर रहम फरमाना। आमीन। आमीन। अल्लाह, जब राजों के अफशा होने का दिन आएगा, यहां तक के दिल में छुपा हर राज सबके सामने होगा, जब तराजू सामने रखा जाएगा, हम पर रहम फरमाना। आमीन। जो लोग तुझसे तेरी रिजा चाहते हैं, अपनी जाने तेरी राह में कुर्बान कर देते हैं, अपने जिस्मों को ढाल बनाते हैं तेरे दीन और दीनदारों के लिए, अपनी मादरे वतन की हिफाजत करते हैं, बेशुमार रहमतों से नवाज दे उन्हें, उन्हें मजीद हिम्मत और ताकत अता कर। आमीन। उनकी पाकीजा और मुकद्दस यादों को महफूज रखना मेरे रब, हमारी आने वाली नस्लों को उनकी बेहतर तरबियत के जरिए हक की राह पर चला। आमीन। या रहमान या रहीम, रहमत मांगते हैं, करम मांगते हैं तुझसे, तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के सदके हमारी दुआओं को अपने लुत्फ से, अपने करम से कबूल फरमा। आमीन। आमीन। है ये अलबास्ती भाई, उसे इतना इख्तियार किसने दिया कि हमारी सरजमीन को खून में नहला दे? वंसी की खातून हफ्सा, उसके करीब होना होगा तुम्हें, जितने तुम उसके कान भरोगी उतना ही वो वंसी को बरगलाएगी। जो निशानियां मिली हैं वो वाज़े हैं। वो कौन हो सकता है भाई? बेबोलाद सरदार। तुम्हारी रगों में खून नहीं, खौफ दौड़ रहा है अलंचक, खौफ। मार्गिन पकड़ा गया है, इसके पीछे अलंचक का ही हाथ हो सकता है। बहुत जालिम इंसान है, मार्गिन पर तशद्दुद की इंतहा कर देगा वो।